नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 नवंबर सन 2021 शेयर बाजार, एग्रोजींस एवं कमोडिटी बाजार का आज का भविष्यफल। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, हम आज की प्लेनेटिकल कंडीशन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है, गुरु एवं शनि मकर राशि में होंगे। सूर्य बुध एवं मंगल का अद्भुत संगम तुला राशि में हो रहा है। केतु ग्रह वृश्चिक राशि में है। स्टॉक वॉच, दोस्तों आपको याद होगा कल हमने आपको बाजारों में गिरावट की अग्रिम भविष्यवाणी की थी, जो कि अक्षत सत्य साबित हुई। आज के ग्रह सहयोग बाजारों में मिश्रित रुख की रचना कर सकते हैं। आप भारतीय शेयर बाजार में वेदांता शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एवं बाटा के ऊपर नज़र रख सकते हैं। रेडिको खेतान के अंदर भी मजबूती की संभावना बन सकती है। HDFC लाइफ के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अल्प अवधि के ट्रेडर हैं, तो समय पर मुनाफा वसूल करना भी उचित रहेगा। एग्रो वॉच, दोस्तों आपको याद होगा कल हमने गवार सीड के ऊपर तेज़ी की बात कही थी, हल्दी के अंदर और जीरे के अंदर भी तेज़ी की बात कही थी और तीनों ही भविष्यवाणी अक्षरत सत्य साबित हुई। आज जीरा के अंदर तेजी जारी रहने की संभावनाएं बन सकती है, जबकि हल्दी भी तेज़ी दिखा सकती है। गौरतलब है कि दक्षिण भारत के अंदर हल्दी की फसलों को काफ़ी नुकसान होने की सूचना मिल रही है। गौरतलब है कि दक्षिण भारत हल्दी का अधिकतम उत्पादन करता है। चने के ऊपर हमारे लगातार एपिसोड आप तक पहुँच रहे हैं। चने दाल के अंदर भी सुधार की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि तिलहन के साथ साथ दलहन कर पर बड़ी तेज़ी को देखते हुए सरकार ने दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त NCDX के ऊपर भी चने के वायदे के ऊपर रोक लगा दी गई। इससे चने के भावों के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली स्पॉट और फ्यूचर के अंदर। लेकिन अब धीरे धीरे चना मांग, त्योहारी मांग एवं अपकमिंग सीजन के अंदर शादियों के बड़े सीजन की वजह से चने के अंदर मजबूती की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। सोयाबीन के अंदर भी कमजोरी की संभावना बन सकती है। दोस्तों याद रखिए, खाद्य तेलों पे तेज़ी पे लगाम लगाने के लिए सोयाबीन एवं दूसरे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क यानी इम्पोर्ट ड्यूटी भी कमी की गई। इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर सेस के अंदर भी बड़ी कमी सरकार द्वारा की गई, ताकि खाद्य तेलों में गिरावट हो और महंगाई पर काबू किया जा सके। गवार सीड, सरसों, सोयाबीन, कपास पर आप हमारी विशेष रिपोर्ट भुगतान करने पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा, गवार सीड के ऊपर, कपास यानी कॉटन के ऊपर, प्याज के ऊपर हमारी भविष्यवाणियाँ अक्षत सत्य साबित होती देखी जा रही हैं। कमोडिटी वॉच, आज नेचुरल गैस में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की बात कही थी, जो कि अक्षरत सत्य साबित हुई और ये कल 5,965 का न्यूनतम स्तर भी देखा गया। जबरदस्त गिरावट ऊपर के स्तर से देखी गई। उम्मीद है कि आपने भरपूर लाभ उठाया होगा। एक काम की बात, 1980-81 में जन्म लेने वाले सभी कारोबारियों के लिए एक विशेष समय है। मजबूत ग्रह आपको तरक्की, लाभ एवं मान एवं सम्मान दिला सकते हैं, जबकि जन्म पत्रिका में कमजोर ग्रह नौकरी में समस्या, कारोबार में समस्या, उद्योग धंधों में तालाबंदी एवं भागीदारों में आपस में अनबन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। बड़ा कर्जा, लगातार बड़े खर्चे सर माथे पे आ सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से आपका व्यापार, व्यवसाय, नौकरी एवं शिक्षा के अतिरिक्त प्रोफेशनल हाईएस्ट कॉम्पिटेंस आपकी कहाँ रहेगी, कहाँ आप अधिकतम लाभ कमा सकते हैं, ये भी भारतीय ज्योतिष के माध्यम से जानना संभव है। दोस्तों आपको हमारे ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं, इसके बारे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने सुझाव अवश्य दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।